नमस्कार फ्रेंड्स, स्मार्ट पेरेंटिंग सीरीज के इस सेकेंड एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कम्युनिकेशन के दो नए वेज जिन्हें अपनाकर हम बदल सकते हैं अपने बच्चों की पर्सनालिटी और उनका कॉन्फिडेंस हम बढ़ा सकते हैं इन द एरिया ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो चलिए जानते हैं कम्युनिकेशन के कौन से हैं वो दो तरीके, पर उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे इस वीडियो के एंड तक। आपके अपने बच्चे के साथ किसी भी तरीके का इंटरैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स। आपका वॉइस टोन, आपके टच करने का तरीका, आपके आई कॉन्टैक्ट का तरीका, बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड करता है दैट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर द फ्यूचर। आपके कम्युनिकेशन का तरीका आपके बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में भी उसकी हेल्प करता है और उसे सिखाता है कि फ्यूचर में अपने रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड किया जाए अलग अलग लोगों के साथ। कम टू द पॉइंट दैट व्हाट आर द टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग सो फार। दीस टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड करता है वर्ड्स, आपके शब्दों का चयन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चे के साथ जब आप बात करते हैं। इट इज रियली वेरी इम्पॉर्टेंट टू यूज एंड टू फिल्टर द वर्ड्स व्हिच यू आर यूजिंग व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर चाइल्ड। वर्बल कम्युनिकेशन के भी दो हिस्से हैं। पहला है ओरल वर्बल कम्युनिकेशन यानी स्पोकन लैंग्वेज और दूसरा है नॉन ओरल वर्बल कम्युनिकेशन यानी रिटन लैंग्वेज। लार्जली हम इस एपिसोड में बात करेंगे ओरल वर्बल कम्युनिकेशन पर। लेट्स नो माय डियर फ्रेंड्स कि कैसे ओरल वर्बल कम्युनिकेशन निखार लाती है आपके बच्चे की पर्सनालिटी में। ओरल वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो चलिए सीखते हैं कौन से हैं वो पार्ट जिन्हें अपनाकर हम चेंजेस ला सकते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। आपकी एक्टिव लिसनिंग आपके बच्चे की हेल्प करती है ये समझने में कि उन्हें सुना और समझा जा रहा है। अपने बच्चे को बहुत ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद उनसे क्वेश्चन कीजिए जो बेस्ड होने चाहिए व्हाट, व्हाई एंड हाउ पे। आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, व्हाट यू सेड जस्ट नाउ, व्हाई डिड यू क्राई टुडे, हाउ डिड यू फिनिश योर वर्क। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछने पर आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक बहुत ही अच्छे स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहा है और वो स्किल है स्टोरी टेलिंग की। जब आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चा आपको पूरा इंसिडेंट एक कहानी के तौर पे बताएगा और नए शब्दों का चयन करके वो आपके सामने अपने शब्दों को लेकर आएगा। यहीं पे वो डिसाइड करेगा कि मुझे इस स्टोरी में या इस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या वर्ड्स ऐड करने हैं, क्या डिटेल्स ऐड करनी है या फिर कौन सी चीजें हैं जो मुझे नहीं बोलनी है। सो दैट्स हाउ एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्पीकिंग क्लियरली। आपको अपने बच्चे के साथ सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना है, ऐसी भाषा जो आपके बच्चे के एज के एप्रोप्रिएट हो। बी क्लियर स्पेसिफिक एंड डू नॉट यूज डेरोगेटरी वर्ड्स। अगर आप अपने बच्चे के साथ काइंड एंड पोलाइट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आप उनके सामने पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, योर लैंग्वेज शुड मेक दैट लिटिल वन फील दैट ही और शी इज रिस्पेक्टेड एंड लव्ड। पोलाइट और काइंड लैंग्वेज हो सकती है प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, योर वेलकम, मे आई हेल्प यू। इस तरीके की भाषा और इस तरीके के शब्दों के साथ आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें।
तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ओरल वर्बल कम्युनिकेशन का है नोटिसिंग स्टेटमेंट्स। जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए प्रेज करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा फील होता है। आप अपने शब्दों से अपने बच्चे को बता सकते हैं कि आप उसके किस बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हैं और किस बिहेवियर को डिक्लाइन। यहाँ सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल वर्ड्स लाइक ग्रेट जॉब का यूज ना करके आप दबाव डालिए कुछ एक नोटिसिंग स्टेटमेंट पे। नोटिसिंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आई नोटिस दैट यू पुट ऑल योर टॉयज अवे आफ्टर प्ले टाइम, नाइस वर्क। दूसरा सेंटेंस हो सकता है, आई नो दैट वॉज सो हार्ड फॉर यू बट यू स्टेड सो काम। ये तो हुई ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। अब चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ओर, जहां आप जानेंगे कि कैसे शब्दों के परे बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपनाकर आप मदद कर सकते हैं अपने नन्हे मुन्नों की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ बॉडी। ये बॉडी की भाषा है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है लाइक आई कॉन्टैक्ट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका फिजिकल टच, आपके बॉडी जेस्चर्स, आपकी वॉइस टोन, पिच, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका बच्चा सीख सकता है आपके अपने बिहेवियर के थ्रू। तो चलिए जानते हैं कि हमें अपने बच्चे के सामने किस तरीके का व्यवहार या बिहेवियर रखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कीजिए आपका अपना बच्चा अपने फ्रेंड के साथ खड़ा है और वहाँ आपको फील हो रहा है कि उसका फ्रेंड थोड़ा अनकंफर्टेबल है और वो धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रहा है। तो यहाँ आप अपने बच्चे को सिखाएंगे कि कैसे वो अपने दोस्त को थोड़ी स्पेस दे, और आपके शब्द किस तरीके के हो सकते हैं। Son, let's give Shyam a bit more space by taking a step back. Well done, Shyam has got more space now. और अगर कुछ दिनों बाद आपका बच्चा यही बिहेवियर रिपीट कर रहा है तो याद रखिए उसे प्रेज जरूर कीजिएगा, और आपके शब्द हो सकते हैं, Son, I like the way you gave more space to Shyam to open up his present at the party. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तीन बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कॉन्टैक्ट एंड आपके बॉडी जेस्चर्स। अब इस बात को मैं कुछ एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। एग्जाम्पल है कि मैंने कई प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे और गैदरिंग्स में नोट किया है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं या शरारत करने लगते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का रिएक्शन होता है कि वो उन्हें आंखें दिखाते हैं या चांटा तक लगा देते हैं। बट इन माई ओपिनियन सच बिहेवियर इज नॉट रिकमेंडेड। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को उस जगह पे रोक सकते हैं अपने माइल्ड और पोलाइट बॉडी लैंग्वेज के साथ। आप या तो बच्चे को ना में सिर हिला के समझा सकते हैं, या फिर एक ऐसा आई कांटेक्ट आप अपने बच्चे के साथ बनाइए जिससे वो समझ जाए कि इस तरीके का बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है योर वॉइस टोन और पिच। मैंने बहुत सारे घरों में ये नोटिस किया है कि पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स छोटे बच्चों के साथ बहुत ही हाई पिच में या एक अलग टोन के साथ बात करते हैं। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है कि हमें अपना वॉइस टोन जो है वो बहुत लो रखना है, हमारी पिच जो है वो कम रखनी है। अलग अलग बातों को समझाने का अलग अलग तरीका होता है, और अलग अलग सेंटेंसेस के साथ हमारी पिच भी अलग अलग वेरिएशंस में चली जाती है। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम ये बात समझ सकते हैं, Hey, stay away from it. It's my thing. ये तो हुई हाई पिच। अब हम इसी को दूसरे तरीके से कहते हैं, My dear child, do not touch this.
इट इज आवर बिलोंगिंग्स एंड इट इज वेरी यूजफुल। तो देखा आपने, एक ही सेंटेंस को दो तरीकों से कहा जा सकता है और आई गेस दूसरा तरीका शायद आप भी अपनाना चाहेंगे। सो माई डियर फ्रेंड, अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है आपके बच्चे को टू कम्युनिकेट बेटर। आगे के एपिसोड में हम अब ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जिनमें इन्वॉल्व होके आपका बच्चा पब्लिक स्पीकिंग के गुण बहुत अच्छे से सीख सकता है। कौन सी है ये एक्टिविटीज, चलिए जानते हैं। प्ले द गेम ऑफ गेसिंग। गेसिंग मीन्स अंदाजा लगाना। आप अपने बच्चे के साथ डमशराज जैसे गेम्स खेल सकते हैं जहां वो आपके बॉडी लैंग्वेज को समझकर अपने शब्दों को बाहर लेकर आएगा और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं वो नए नए शब्दों को ढूंढेगा और सीखेगा कि किस तरीके से सही वक्त पर सही शब्दों को बोलकर मैं अपनी लैंग्वेज स्किल्स को और शार्पन कर सकता हूँ। नेक्स्ट गेम कैन बी वॉच अ टीवी विद साउंड ऑफ। टीवी को बंद करके, उसकी आवाज को बंद करके आप कोई भी टीवी सीरियल देख सकते हैं। अब आप अपने बच्चे को कहेंगे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या बोल रहे हैं वो तुम्हें बताना है, और जब वो उन कैरेक्टर्स की भाषा अपने शब्दों में बताएगा तो कहीं ना कहीं वो भी तो सीखेगा नए नए शब्द और नए नए सेंटेंसेस। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है जो आप अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं और वो गेम है डिफरेंट वॉइस टोन एट डिनर टेबल। जब भी आप डिनर कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ कुछ सेंटेंसेस को यूज करते हुए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक ही सेंटेंस को किस अलग अलग वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। सपोज मैं कहती हूँ आई वुड लाइक टू हैव द पुडिंग प्लीज, ये तो बहुत नॉर्मल टोन है, इसी को हम थोड़ा ग्रम्पी वे में कहेंगे तो आई वुड लाइक टू हैव द पुडिंग प्लीज। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को सिखाएंगे वॉइस मॉड्यूलेशन। तो देखा दोस्तों कैसे इन एक्टिविटीज को अपना कर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे नई नई चीजें। इट्स टाइम टू रैप अप आवर टुडेज एपिसोड। जाते जाते सीखते हैं कुछ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन टेबल मैनर्स और टेबल एटिकेट्स और सिखाएंगे अपने बच्चों को भी। चलिए कौन से हैं वो सेंटेंसेस सीखते हैं हम। कम डियर चाइल्ड, इट्स टाइम फॉर डिनर, बिफोर डिनर वॉश योर हैंड्स, ईट विथ योर नाइफ एंड फोक, डू नॉट यूज योर फिंगर्स, डू नॉट पुट योर एल्बो ऑन टेबल, eat slowly and do not open your mouth while eating, do not pick your teeth, use napkin or tissue to clean your mouth। hope dear friends aaj ka ye video aapko le ja raha hai ek aur kadam nazdeek smart parenting ki aur। स्मार्ट पेरेंटिंग के कुछ और नए पहलुओं को जानेंगे आने वाले और भी एपिसोड्स में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।